नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। तो शाम के 4 बज गए हैं और आज है 31 तारीख। तो सबसे पहले आप लोग को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, कल नया साल हो जाएगा। तो दरअसल क्या है कि हमारे खेत में बहुत सारा सेम हो गया है और सेम का मैंने सब्जी बनाया है ऐसे अपने वीडियो में, तो सेम खाने का मन कर रहा है। और ये देखिए फ़ोन देख रहे, नहीं तो पूछते हैं क्या बनाऊँ। क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने दोस्त का चैनल देख रहा हूँ। अच्छा, आपके दोस्त का चैनल है, मुझे नहीं मालूम, दिखाइए क्या नाम है चैनल का? नाम है रीड बुक क्लब। हाँ हाँ, और मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, किताबों के ऊपर बनाते हैं। अच्छा, मेरे मित्र हैं। अच्छा, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, आपको अगर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम। इनके दोस्त का जो चैनल था काफ़ी अच्छा लगा सुन के। और क्या बता रहे थे आप, किसके ऊपर था ये? किताबों के ऊपर था, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल किताबों के ऊपर। हाँ हाँ, तो ठीक है, अब से मैं भी देखूंगी और आप लोग भी देखिएगा और उनके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करते रहिए उनके वीडियो पे भी। तो क्या बने आज सेम जो बहुत सारा हो गया खेत में, तो क्या बनाऊँ? सेम का तो सब्जी ऐसे मैंने बना ही दिया है, कुछ सेम का कुछ नई चीज़ बनाओ। नई चीज़ क्या बनेगा सेम का? बनाओ कुछ भी सेम का। तो मेरे ख्याल से सब्जी बनता है, पराठा ही बनता है, चोखा ही बनता है। हाँ, ये तो सही कहे, सेम का पराठा ही बनता है और चोखा भी। चोखा तो बैंगन का, टमाटर का, सबका बनता है, तो सेम का बना दो। हाँ, सुबह तो ऐसे मटर की पूड़ी मैंने बनाई थी पराठा, तो सेम का चोखा ही बना देते हैं। और काफ़ी सारा सेम भी हो गया है, तो चलते हैं खेत में और सेम को तोड़ते हैं। ये लग रहा है कि अभी फ़ोन में ही बिजी है थोड़ा, तो चलते हैं आपको खेत में दिखाते हैं। और जो कि हमारा सेम जो है ना, थोड़ा सा दूसरे खेत में भी है लटक कर, तो तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया, नहीं तो फिर जैसे कि बहुत लोग तोड़ ले जाएंगे फिर बाहर, नहीं तो बाहर के लोग भी तोड़ लेते हैं। हाँ, इसलिए हम चल रहे हैं सेम तोड़ लेते हैं। और गन्ना जैसे कटाई हो गया ना, तो सेम भी थोड़ा बहुत कट गए हैं, तो सूख रहा है, तो इसीलिए ताज़ा जो सेम है उसी को तोड़ेंगे। तो ये देखिए आ गए हैं, ये देखिए सेम का जो गावा था गन्ने की कटाई में, एक जो गावा खींच गया है तो ये सूख गया है, और अंदर से जो गावे हरे हैं उसे हम तोड़ लेते हैं। इधर देखिए नीचे देखो, ये रहा, इधर भी पांच छह, ये देखिए ये सब तोड़ लेते हैं पहले, इससे गावा सूख रहे हैं। अभी सेम जो कि हरे हैं और हरे भी तोड़ लेते हैं। ये चलता फिरता रोड है, इसलिए कि कोई भी आता तो हमारा सेम जो कि तोड़ ले जाता है, इससे पहले दूसरे को ना तोड़ पाए, हम लोग तोड़ के थोड़ा सा इस रेसिपी को बना लेते हैं। ये देखिए हाँ, भी सेम है, थोड़ा सा डाली खींचते हैं और देखिए सेम को तोड़ते हैं। ऊपर तो बहुत है, आप दीवार पर चढ़ जाइए थोड़ा। नहीं, दीवार बहुत कमज़ोर है, लेकिन ठीक से बनाई नहीं है। अरे बाबू तुम भी आ गए, अरे वाह, हेल्प कर रहा है बाबू मेरा, वेरी गुड, दिखाओ तो, लाओ तो, बहुत बढ़िया, ये लो। लेकिन तो छोटा है, इसके अंदर अंदर सेम जो है ना बहुत भरा हुआ है, छिप छिप के। तो जितना मुझसे टूट करके मैंने तोड़ लिया, अब ये जा रहे हैं देखिए ऊपर ऊपर है। थोड़ा सा सेम का जो डाली है उसको खींचेंगे और तोड़ेंगे। गन्ने के ऊपर चढ़ के फर गया सेम। हाँ, ये देखो बहुत बड़ा बड़ा। हाँ, और भी है अंदर अंदर है सेम। हमने काफ़ी सारा तोड़ लिया, अब चलते हैं। जितना हमें मिलता था इधर लिया, उस साइड नहीं गए, उसे हमें उस साइड जो कि अभी पानी भरा रहा है गेहूँ में और खाद छिड़का गया है, चलते हैं लेकर। अब धनिया पत्तियाँ ले लेते ताज़ा, जो हम डालने के लिए। बाबू सबको हैप्पी न्यू ईयर तो बोल दो एडवांस में, हैप्पी न्यू ईयर। और सेम लेने के बाद देखिए आ गए खेत में लहसुन के, इसकी पत्तियाँ ले लेते हैं। लहसुन की जो ताज़ी पत्तियाँ होती है ना, चोखे में पड़ता है ना, तो बड़ा मज़ा आता है, ये बहुत अच्छा टेस्ट बढ़ा देता है चोखे का। तो दो तीन हम पत्तियाँ इसकी ले ले रहे हैं, जड़ सहित लहसुन ही ले ले रहे हैं। और चलते हम धनिया भी ले लेते हैं, मेड़ियों पे लगाए गए धनिया भी। इधर जो टमाटर का मेड़ी लगाया हुआ था ना, देखिए बीच बीच में धनिया भी लगाया गया था, तो देखिए जो जो बड़े बड़े हो गए हैं उनको उखाड़ ले रहे हैं, क्योंकि नहीं तो टमाटर के जो ये गावा है ना एकदम छेक लेगा, धनिया को बढ़ने नहीं देगा। तो ऐसे हम देख देते हैं। और धनिया ये देखिए ये रहा, और आप देख सकते हैं इसको तो छोड़ देते हैं, इसके अंदर देखिए इसी गावा के अंदर दम धनिया दबा हुआ है, तो इसको उखाड़ लेंगे, क्योंकि पेड़ पौधों को भी धूप लगना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नहीं बढ़ते हैं। अगर धूप नहीं लगता है, पानी नहीं मिलता इनको, तो बढ़ते ही नहीं हैं। अंदर देखिए यहाँ दबा हुआ है, ये रहा, बहुत सारा हमने धनिया ले लिया, अब चलते हैं लेकर। तो चोखा बनाने के लिए सारी तैयारी हो गई है। यहाँ पे देखिए जो सेम है, देखिए इस तरीके से उसके रेशे दोनों तरफ का निकाल लेंगे इस तरीके से, और इसको दो भाग कर लेंगे, जो हम सेम को उबाले तो अच्छे से पक जाए, सेम उबल जाए।
सेम को मैंने यहाँ पे जो उसके रेसे थे निकाल दिया है और इसको मैंने देखिए दो भागों में काट लिया है। कभी कभी क्या होता है कि सेम में कभी कभी कालेपन दिखते हैं, कीड़े भी दिखते हैं, जिस तरीके दो भाग करने से पता चल जाएगा कि हमारा सेम सही है। तो सेम हमने चेक कर लिया, जो ख़राब सेम थे उनको हमने हटा दिया है और बढ़िया बढ़िया जो सेम थे उनको देखिए दो भागों में काट कर इसको साफ पानी धो लेते हैं। और थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हमारे खेत के ताज़े आलू छोटे छोटे लिए हैं इस चोखे में हम डालेंगे और यहाँ पर लहसुन और धनिया पत्तियाँ लिया है। तो सबको पहले हम साफ पानी से धो लेते हैं सेम को, उसके बाद फिर हम उबालेंगे सेम और आलू को कढ़ाई में। सेम को देखिए यहाँ पे धो लिया मैंने, इसको थाली में रख लेते हैं। ऐसे ही हम बाकी चीज़ों को भी धो लेते हैं। चूल्हे में देखिए ईंधन को जला रहे हैं, जलाने के बाद फिर उबालेंगे सेम को। तो आग पहले अच्छे से चूल्हे में धरा लेते हैं। बाबू देखिए सो रहा है। बाबू सेम का चोखा खाओगे ना? नहीं मैं लिट्टी खाऊंगा, बच्ची लिट्टी बट्टी कहाँ बनना है? सेम का चोखा। तो चूल्हे में ईंधन को जला दिया, रख देते हैं कढ़ाई सेम और आलू उबलने के लिए। तो कढ़ाई में डालेंगे सबसे पहले सेम, जिम हमने सेम काटा इसको रख देंगे। छोटा आलू मैंने इसलिए लिया कि जल्दी उबल जाएगा और इसका टेस्ट जो है ना खेत का आलू तो बड़ा अच्छा आएगा चोखे में। तो थोड़ा ही आलू डालेंगे, आलू की मात्रा को जो कि कम रखेंगे सेम में, और सेम ज़्यादा रहेगा तभी चोखा में अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें पानी डाल देंगे हम उबलने के लिए, सेम को ऊपर तक पानी डालेंगे और सेम और आलू को उबाल लेंगे। सेम और आलू को ढके काफ़ी देर हो गया, देखते हैं कि सेम और आलू हमारा पका है कि नहीं, चेक करते हैं। तो सेम थोड़ा सा भी कड़ा है और आलू देखिए लग रहा है हो गया है। तो आलू को निकाल लेते हैं कि आलू काफ़ी छोटा था इसलिए आलू पक गया है। अभी सेम को हम और थोड़ा सा उबाल लेते हैं, थोड़ा सा कच्चा लग रहा है अभी छूने पे। आलू हमारा उबल गया है, सेम अभी नहीं उबला है। और तब से जो लहसुन की पत्तियाँ धनिया की पत्तियाँ इनको हम देखिए एकदम बारीक काट ले रहे हैं। लहसुन धनिया पत्तियाँ काटने के बाद देखिए आलू भी ठंडा, तो आलू को जो छिलके हैं उसको उतार ले रहे हैं। चेक कर लेते हैं, आलू तो पहले ही हो गया था, एक बार चेक करेंगे। देखिए सेम भी अच्छे से मसल जा रहा है, अब हो गया अच्छे तरीके से। इसको हम थाली में निकालेंगे, पानी छान कर अलग कर देंगे सेम को, अलग जल्दी ठंडा हो जाएगा सेम। देखिए ठंडा हो गया है, अब इसको हाथों में लेते हैं, अब इसको बढ़िया सा निचोड़ लेंगे। काफ़ी सेम में पानी होता है, इसका पानी जो कि हटा लेंगे इस तरीके से गार गार के। जो आलू हमने छीला इसी में डाल देंगे, ऐसे ही सारे सेम का जो कि पानी हटा लेंगे। तो सेम को देखिए हमने बढ़िया सा निचोड़ लिया है और ये देखिए कितना अच्छा पक गया, एकदम मसल जा रहा था। अच्छे से पकाना है सेम को। और यहाँ पे देखिए मैंने धनिया जो बारीक काटा था इसमें डाल लेते हैं इसके ऊपर, और इधर लहसुन की पत्तियाँ डाल रहे हैं हम। लहसुन की पत्तियाँ डाल रहे तो इसमें जो नॉर्मल जो लहसुन होता है छिलते हैं लोग, तो वो मैंने डाली, क्योंकि लहसुन की पत्तियाँ ताज़ी डाल रही हूँ, इससे भी जो कि बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। और अदरक थोड़ा सा लिया है मैंने, हरा मिर्चा लिया, इसको दोनों को डाल देते हैं। तीखा थोड़ा सा हम कम डालें क्योंकि बच्चे भी हमारे खाएंगे, सेम का चोखा उनको बहुत पसंद लगता है इसलिए हमने हल्का तीखा डाला है। तो हम यहाँ से 3 से 4 इंच अपने तीखे के अनुसार डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप अदरक बारीक ना काट के अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं कूट कर। तो मैंने अदरक बारीक काटा है और लहसुन की ताज़ी पत्तियाँ लहसुन सहित डाला है। और इसमें देखिए हम नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे घर का सरसों का तेल है कच्चा, इसको डालते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं चोखे में पका के डालते हैं, लेकिन कच्चा तेल डालने से स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो तेल मैंने डाल दिया, अब अच्छे से इसको मिला लेते हैं। यहाँ पे हाथ मैंने अच्छे तरीके से धो लिया अपना, बढ़िया चोखे को देखिए इस तरीके से मिला लेते हैं। ये देखिए चोखा को मैंने अच्छे तरीके से मिला लिया है। और इस चोखे को आप दाल चावल पे, रोटी के साथ, लिट्टी के साथ, किसी के भी साथ खाइए, बहुत मज़ा आता है। चोखा जब किसी चीज़ का बनता है, चाहे टमाटर का हो या बैंगन का या सेम का हो, तो सबका अपना अपना अलग टेस्ट होता है, बहुत बढ़िया लगता है खाने में। तो ये सेम का जो चोखा का इस तरीके से बनाएंगे ना, वाकई में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको किसी के भी साथ खाइए, बहुत बढ़िया लगेगा। तो ये था हमारे शाम का जो कि खाना था चोखा, और अभी हम चावल का लिट्टी भी लगाएंगे साथ में, तो दोनों साथ में खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।